हेलो दोस्तों, तो आज हम सीखेंगे ग्रूविंग ऑपरेशन कैसे ऑफसेट लेंगे, ग्रूविंग क्या होती है, ग्रूविंग टूल कौन सा टूल यूज़ होता है, कैसे कैसी ग्रूविंग होती है। तो ग्रूविंग जो है वो होती है कि हम सिलेंड्रिकल पार्ट के ऊपर कोई स्लॉट बनाएं तो उसको हम ग्रूविंग बोलते हैं। और इस ग्रूविंग के लिए जो टूल यूज़ होता है या कटिंग टूल जो हम यूज़ करेंगे उसको हम ग्रूविंग टूल या पार्टिंग टूल भी बोलते हैं। क्योंकि अगर मान लो स्क्वायर ग्रूविंग, जैसा कि आप देख रहे हो, जैसा ये स्लॉट बनाना हो तो इसके लिए हम स्क्वायर ग्रूविंग टूल यूज़ करेंगे। और उसी टूल से हम किसी इस पार्ट को दो दो भागों में अलग अलग भी कर सकते हैं, तो पार्टिंग टूल भी बोलते हैं या फिर ग्रूविंग टूल भी बोलते हैं। लेकिन अगर इसी सिलेंडर पार्ट के अगर मुझे फेस पे ग्रूव काटना हो तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ये यू टाइप स्क्वायर टाइप यू ना करके, ऐसा टूल यूज ना करके मेरे को कौन सा स्क्वायर टाइप यानी कि राउंड आर, ये आर वन भी हो सकता है, आर टू भी हो सकता है, आर थ्री भी हो सकता है, अलग अलग रेडियस का टूल हमें यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, और ये मोस्टली 2 mm, 1 mm, 1.5 mm, 3 mm, ये हमारे स्क्वायर पार्टिंग टूल आते हैं। ठीक है, तो ओडी के ऊपर अगर मैं स्क्वायर ऐसा स्लॉट टाइप बनाना हो तो इसको स्क्वायर इंसर्ट से हम यूज़ करके बनाएंगे। और अगर हमें इस पार्ट के फेस पे, ये सिलेंड्रिकल पार्ट है तो इसके फेस पे अगर मान लो मुझे ग्रूव बनाना हो रेडियस टाइप, तो मैं क्या करूँगा, रेडियस टाइप का एक ऐसा टूल लेना पड़ेगा। ठीक है, इसको यू टाइप ग्रूविंग टूल भी बोलते हैं, जिसके फेस पर रेडियस होती है। ठीक है, तो ये तो हुआ ग्रूविंग एक जनरल इन्फॉर्मेशन। ठीक है, अब हम सीखेंगे कि ग्रूविंग टूल का ऑफसेट कैसे लेंगे। ठीक है, तो ग्रूविंग टूल का ऑफसेट फेस ग्रू टूल, इसको हम फेस ग्रू टूल भी बोल सकते हैं, ये हमारा फेस ग्रू टूल भी हो सकता है। ठीक है, क्योंकि ये फेस पर ग्रू काटना है, एक आता है बैक फेस ग्रू भी आता है। ठीक है, ये मान लो ये इंसर्ट यहाँ क्लैंप हो गई, तो ये बैक फेस ग्रू हो गया, बैक मतलब बैक साइड में, पीछे जाके भी अगर मेरे को ग्रू बनाना हो तो ये बैक फेस ग्रू कहलाता है। ठीक है, अब इसमें इंसर्ट अलग अलग आती है, स्क्वायर भी आती है, राउंड भी आती है। ठीक है, तो ये हमारा बैक फेस हो गया और ये फेस ग्रू हो गया, और वो हमारा ओडी पे, ओडी ग्रूविंग टूल या फिर पार्टिंग टूल जिसे बोलते हैं। ठीक है, तो अभी ऑफसेट लेना हम समझेंगे कि ऑफसेट लेने में क्या क्या ध्यान रखना है, क्योंकि नॉर्मल ऑफसेट नहीं है। आप ओडी टूल होल्डर की तरह ओडी पर टच कर दिया और एक्स मेजर कर दिया तो एक्स का ऑफसेट हो गया, और फेस पर टच कर दिया तो जेड, फेस पर टच करते ही जेड का ऑफसेट हो गया। इसमें थोड़ा सेफ्टी के लिए ध्यान रखना पड़ता है। जैसे अब ये फेस ग्रू टूल है, फेस ग्रू टूल को आप अगर ओडी पर टच करोगे, सॉरी फेस पर टच करोगे, तो आपका ये पॉइंट टच हो जाएगा, ए पॉइंट। ठीक है, टूल का, और यहीं पर जेड जीरो हो जाएगा। ठीक है, इसके हिसाब से ये ठीक है। लेकिन अगर इसी टूल को मैं ओडी पर टच कर दूंगा तो ये ओडी पे, मैंने जैसे तो मैं ड्रिलिंग में समझाया था, ये जितने इसमें आर होती है या जितने का डाया है वो हम जोड़ देंगे। मान लो ये 5 के डाया का टूल है तो 5 इसमें जोड़ देंगे, ये ओडी मान लो इसकी 50 है तो एक्स का ऑफसेट क्या डालेंगे हम, एक्स का 55। ठीक है, लेकिन अगर स्क्वायर इंसर्ट हो पार्टिंग टूल, ओडी पे हमें ग्रूविंग काटनी है, तो इस टूल को हम ओडी पे टच करेंगे इस तरह से, तो इस कंडीशन में क्या होगा, इसकी कटिंग एज यहाँ पर होती है, तो ये कटिंग एज पूरी कॉन्टेक्ट में आ गई एक्स के, तो एक्स का ऑफसेट तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हम जैसे ही इसके फेस पर टच करेंगे हम जेड में, तो जेड में ये टूल कैसे टच होगा इस तरह से। ठीक है, तो अब इसमें क्या होगा कि एक पॉइंट कटिंग एज का एक कोना ही टच होगा, दूसरा कोना क्या हो जाएगा, जितनी विड्थ होगी उतना हमारा जेड में प्लस रहेगा। जैसे मान लो ये इंसर्ट 3 mm की इंसर्ट है, तो आपने टच कर दिया ए पॉइंट पे, तो ये आपका यहाँ पर आप मान लो जेड जीरो का मेजर कर दिया, तो आपको ये ध्यान रखना कि आपका बी पॉइंट जो है वो 3 mm प्लस में है। तो आप जब भी कोऑर्डिनेट डालोगे, मान लो मुझे इस पॉइंट पर आना है, अब यहाँ से यहाँ तक मान लो फॉर एग्जांपल ये यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 10 है, तो आप जेड के कोऑर्डिनेट यहाँ पर अगर मान लो मेरे को एक ग्रू काटना है तो मैं -10 नहीं करूँगा। अगर -10 करूँगा तो ये टूल कहाँ से, ए पॉइंट हमारा यहाँ पर आएगा, इस तरह से आगे खड़ा हो जाएगा, तो ए पॉइंट को टच करके आपने जेड जीरो किया था, अब बी पॉइंट कहाँ रहेगा, 3 mm पीछे, क्योंकि ये इंसर्ट हमारी कितने की थी, 3 की,
और यहीं पर अगर मैं ग्रुप काट दूंगा तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, पार्ट आपका रिजेक्ट हो जाएगा। इसलिए आपको क्या करना है, इसको 3 mm विड्थ को जेड में प्लस कर लेना है। तो जेड आप 10 ना मेजर करके माइनस के 13 आप कोऑर्डिनेट डालोगे यहाँ पर, तब जाकर ये ग्रुप हमारा सही कटेगा, ठीक है। तो ये तो हो गया जनरल। ऐसे ही बैक फेस में आपको ध्यान रखना, बैक फेस पर आप फेस पर टच करोगे तो 0 हो जाएगा, लेकिन ओडी पर टच करोगे तो ओडी पे आपको इसकी विड्थ आपको क्या करनी पड़ेगी, मेजर करनी पड़ेगी। इसको ध्यान में रख के ही आपको प्रोग्राम बनाना पड़ेगा। तो अब इसका ध्यान रख के प्रोग्राम कैसे बनाएंगे वो मैं आपको विद एग्जांपल, अलग अलग एग्जांपल से आपको मैं फेस ग्रुप का अलग समझा दूंगा, उसको भी 41, 40, 42 कंपनसेशन के साथ भी समझा दूंगा, और बैक फेस का भी कंपनसेशन के साथ और अलग अलग बिना कंपनसेशन कैसे यूज़ करते वो भी समझा दूंगा मैं, ठीक है, एग्जांपल के साथ। लेकिन मैं अलग अलग वीडियो में आपको अलग अलग समझाऊंगा। तो अभी आज हम मैं केवल आपको पार्टिंग टूल यानी कि ओडी ग्रूविंग का एक एग्जांपल के साथ आपको समझाऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम ओडी का ही मान लेते हैं, मान लो ये 10 है, ये मेरे को ग्रूव बनाना 5 mm का, ठीक है। यहाँ का डाया जो है 40 mm, ठीक है, और ये हो गया 10 और ये हो गया 4 mm, और आपको फिर से ये फिर से 5 mm, 2 5 5 mm के। तो मैं इसमें आपको अब ग्रूविंग का जो ये है ना, ये रफ भी समझाऊंगा और इसका फिनिशिंग का प्रोग्राम भी कैसे बनेगा वो भी समझाऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इसको इरेज कर देता हूँ, ये फालतू की जो चीज़ है। इसके लिए हम यूज़ कर रहे हैं 3 mm की इंसर्ट, तो आपको ये सोच के चलना है कि 3 mm की इंसर्ट के हिसाब से अब मैं इसमें यहाँ प्रोग्राम बनाऊँगा, ठीक है। तो सबसे पहले प्रोग्राम का नंबर कोई भी नंबर हो, ये फुटर एडर में लगा देता हूँ फटाफट N1। ये हमारा क्या है, ग्रूविंग G40 G80 कैंसलेशन कमांड लगाई, रेफरेंस किया, टूल नंबर मान लो 5 नंबर है, G96S 50 M0 3 या 4 जो भी डायरेक्शन है, G50 या G92 मैक्सिमम स्पिंडल RPM 1000, ठीक है। अब मैं टूल को ले आया G0X, ये हमारा OD कितना का है 50 का, तो मैं इस टूल को खड़ा कर दूंगा 52 पर जेड में 2 mm प्लस सेफ्टी के लिए। उसके बाद मैं G0Z- देखो 10 की बजाय मैं कहाँ खड़ा करूँगा, -13 पर, ये आपको समझ में आ गया। अब 13 पर खड़ा कर दिया, इंसर्ट हमारी 3 की है, स्लॉट 5 का है, तो दो बार में काटना पड़ेगा। तो एक बार पहले पूरा डाउन करके फिर ऊपर उठाएंगे। अब इसमें क्या है, मैं फिनिशिंग के लिए हल्का हल्का लगा यहाँ 0.1 50 mm 0.1 x में और 50 माइक्रोन में इस साइड में, 50 माइक्रोन तो यहाँ छोड़ूंगा और 0.1 यहाँ छोड़ूंगा। तो अब 50 माइक्रोन खिसकाऊंगा तो इसको आगे खिसकाना पड़ेगा टूल को, तो 13 ना डाल के 13.05 डाल रहा हूँ यहाँ पर, ये मैं फिनिशिंग के लिए अलाउंस छोड़ रहा हूँ, ठीक है ना। अब इसको आगे खिसका दिया, अब हम G01 में जेड में इसको प्लंज करेंगे। देखो 52 है, 50 का ओडी है, तो पहले मान लो हम 1 mm का डेप्थ कट देंगे, तो एक्स में 48 पे आ गया, चलो 2 mm का दे देता हूँ मैं ताकि प्रोग्राम लंबा ना बने, 46, ठीक है, 46 काट दिया मैंने फीड के साथ 0.06, ये फीड दे दी मैंने। उसके बाद G0 में रैपिड में थोड़ा ऊपर उठा लूँगा मैं, तो ऊपर उठाऊँगा तो एक्स, ये मेरा जेड एक बार फिक्स हो गया। अब इसके बाद केवल आपको एक्स में डाउन करना है, फिर अप करना है, फिर डाउन करना है, फिर डाउन करना है ऐसे, ठीक है। फिर बचाओ पूरा बाहर निकाल के फिर इधर आएगा, फिर वापस जाएगा, ठीक है। तो एक्स में 47 एक के ऊपर उठा लिया, फिर वापस G01 एक्स 42, दोबारा फिर डालने की जरूरत नहीं है, एक बार फिर डाल देते हैं G0X 43 ए के ऊपर उठाया, फिर G01 JX, अब ये आ गया 40, तो 40 ना पहुंचा के मैं इसको 40.1, क्योंकि मैं 0.1 फिनिशिंग के अलावा छोड़ रहा हूँ, ठीक है। अब इस टूल को हम जेड में खिसकाएंगे G0, तो पहले इसको बाहर निकाल लेते हैं X 52, ये वापस हमारा बाहर आ गया। अब इसको कहाँ ले जाएंगे हम, जेड माइनस के 2 mm आगे खिसकाएंगे तो
अब यहाँ तक इस कॉर्नर पर कितना है, 15, 10, 5, 15, लेकिन 15 ना पहुँचा के मैं 50 माइक्रोन कम पहुँचाऊँगा फिनिशिंग के लिए, तो 9.5, 14.95, ठीक है। अब हमारा टूल कहाँ आ चुका है, G0Z- के 14.95 ये आ चुका है यहाँ पर। अब इसको हम यहाँ पर क्या करेंगे, फिर से X में डाउन करेंगे, G0X46 वापस ऊपर उठाएंगे, एक एम 47, फिर वापस G0 में 42 काट देंगे, फिर वापस G0 में X43 एक एम ऊपर उठा लिया, फिर वापस G01 में X40.1 फिनिशिंग के अलावा छोड़ दिया, और वापस मैंने इसको 52 रुपये निकाल लिया। ये तो हो गया मेरा रफ, एक स्लॉट कंप्लीट हो चुका है। अब मैं इसकी फिर पोजीशन चेंज करूँगा, अब यहीं से आगे निकालूँगा। तो अब यहाँ देखो ये कितना है, 10, 5, 15 और ये 4, 19, लेकिन मैं टूल को 19 और 3 एम प्लस जोड़ दूँगा, तो 19 और 3 22 पे खड़ा करूँगा, क्योंकि मेरे को बी पॉइंट चाहिए यहाँ पर, ए पॉइंट मेरा 3 एम आगे चाहिए। Z0 का ऑफसेट हमने ए पॉइंट के हिसाब से लिया था, ये आपको पहले ही समझा चुका हूँ। तो यहाँ पर G0Z- वो 50 माइक्रोन आगे और किस कहेंगे, तो 10, 5, 15, 4, 19 और 3 एम इंसर्ट का 22.05 50 माइक्रोन फिनिशिंग का। वापस फिर से वही G0X46 पर आ जाएगा, फीड हमारी वही 0.06, उसके बाद टूल G0 में एक एम ऊपर उठेगा 47, फिर G0 में 1 में X42 काट देंगे, फिर वापस ऊपर उठाएंगे X43 एक एम ऊपर उठ गया, चिप्स को ब्रेक करने के लिए बस G01X40.1 फिनिशिंग के लिए अलाउंस। यहाँ तक समझ में आ गया होगा, अब बाहर निकाल लेंगे G0X52, टूल पूरा बाहर आ चुका है, ठीक है। अब वापस फिर से हम आगे खिसकाएंगे, तो ये कितना है, 10, 5, 15, 4, 19, 5, 24, तो जेड माइनस के 24 ना पहुँचा के 23.95 50 माइक्रोन छोड़ देंगे, और फिर से वही कहानी G0X41 और यहाँ पर G0 में एक एम ऊपर उठा लेंगे 47, फिर वापस G01 में X42 फिर एक एम ऊपर उठा लेंगे 43, फिर वापस G01 में X40.1 काट देंगे, ठीक है, और टूल को बाहर निकाल लेंगे G0X52, ये पूरा हमारा टूल बाहर आ चुका है, ठीक है। तो ये तो हमारा दोनों का हो गया रफ, ठीक है। अब हम समझेंगे इसका फिनिशिंग, ठीक है। तो फिनिशिंग को मैं, ये आपने नोट कर लिया हो तो मैं यहाँ मिटा रहा हूँ। फिनिशिंग के लिए हम क्या करेंगे, इसके बाद टूल को कुछ नहीं करना, ये हो गया रफ का टूल। अगर फिनिशिंग का टूल, इसी टूल से आप फिनिशिंग करना चाहते हो तो यहीं के यहीं फिनिशिंग के जो मैं कोऑर्डिनेट अभी समझाऊंगा वो डाल देना। अगर नहीं, अब मैं इसमें टूल चेंज करूंगा, तो यहीं से मैं क्या करूंगा, इस टूल को रेफरेंस कर दूंगा G28U0W0M09M05 और M01, ठीक है। अब मैं फिर क्या करूंगा, ये ओ नंबर नहीं, उसके आगे N2 लगा दूंगा, N2, और ये आ जाएगा फिनिश ग्रूविंग फिनिशिंग, ठीक है। तो फिनिशिंग का प्रोग्राम ये हेडर दोबारा डाल दूंगा, मान लो टूल नंबर मेरा 7 है फिनिशिंग का, तो ये टूल नंबर 7 डाल दिया मैंने, ठीक है। इसकी पोजीशन ही हमने करवा दी। अब यहाँ पर इम्पोर्टेंट है ये, मैं फिनिशिंग का प्रोग्राम बनाऊँगा कैसे, ठीक है। तो फिनिशिंग के प्रोग्राम के लिए क्या, मैं यहाँ पर है ना, इस कोने में इन चारों कोनों में क्या कर रहा हूँ, 0.5 का एक रेडियस लगा रहा हूँ, ठीक है, ताकि बर ना आए, ठीक है, बर को रिमूव करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये तो मेरा पोजीशन है G0X52 और Z+2। अब इसको मैं टूल को कहाँ खड़ा करूँगा, मेरे को यहाँ 0.5 क्या करना है, ये रेडियस लगाना है। तो यहाँ पर तक कितना है, 10, जबकि मेरे को टूल को खड़ा करना पड़ेगा 13, तो 13 ना खड़ा करके मैं 12.5 पर खड़ा करूँगा, तो Z- 12.5 यहाँ तक टूल आ गया रेपिड में। उसके बाद फिर क्या करना है, G0 में 1 में X में टच कराऊंगा, पूरा OD पे टच करना पहले, तो OD कितना है 50 और ये हो गई फीड 0.05, ठीक है। अब इसके बाद G0, अब ये ऐसे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज रेडियस कट रही है इस तरह से, तो एंटी क्लॉकवाइज के लिए कोड कौन सा है, G03X डाउन हो जाएगा 0.5 की रेडियस है, तो
एक एम डाउन हो जाएगा, 50 है तो 49, और जेड माइनस कितना हो जाएगा, 12.5 है, 0.5 रेडियस लगा रहे, 13 ही है ना, क्योंकि हमने पिछली बार रफ में क्या कितना काटा था, 13.05 काट दिया, प्लस सरकाया था, सॉरी 13.05 तक, तो 50 माइक्रो मेटल बच गया यहाँ पर और यहाँ पर रेडियस लगा लेंगे हम 0.5, ये रेडियस हो गई। अब टूल को हम G01 में एक्स कितना ले जाएंगे, पिछली बार हमने 0.1 छोड़ा था 40 पे, इस बार एग्जैक्ट 40 पे ले जाएंगे क्योंकि ये फिनिशिंग का है। नीचे आ गया टूल यहाँ बिल्कुल एकदम एग्जैक्ट। अब इस टूल को यहीं से वापस ऊपर उठा देंगे, तो G0X52 पूरा बार आ गया। अब चेंज करेंगे हम वापस पोजिशन, तो पोजिशन चेंज होगी G0Z- की कितना हो जाएगा यहाँ पर 10.5 15 15 जेड माइनस के 15, पिछली बार हमने 14.95 डाला था रफिंग में, तो 50 माइक्रो मेटल बचा हुआ, लेकिन 15 डालेंगे तो क्या होगा, रेडियस नहीं लगेगी, तो रेडियस के लिए 0.5 और खिसकाना पड़ेंगे, तो हम डाल देंगे यहाँ पर 15.5। ओके, उसके बाद G01 में हम एक्स में 50 पर टच करेंगे, क्योंकि एग्जैक्ट रेडियस लगाना है 50 से, क्योंकि टूल हमारा बाउंड पर खड़ा है। अब हम लगाएंगे वापस, अब इधर की रेडियस कैसे होगी, क्लॉक वाइज, तो G02 कोड लग जाएगा, एक्स आ जाएगा 1 mm कम 49, और जेड माइनस के 15 हो जाएगा, 15.5 है, और रेडियस 0.5 ये लग जाएगी। ठीक है, अब इसको हम डाउन कर देंगे, G01 एक्स 40.00। ठीक है, इससे हमारा ये टूल नीचे आ जाएगा। अब मान लो कई बार क्या होता है, ये स्लॉट 10 mm 15 mm का होता है, तो आपको सिर्फ यहीं तक उतारना नहीं है, अगर मान लो ये स्लॉट 5 का ना होता, अब 5 का इसलिए क्या है, 3 mm की इंसर्ट घुसी तो 3 mm तो ये इधर कट गया, और बचा कितना 2 mm, तो वो वैसे ही है यहाँ पर एक पपड़ी, अगर लेकिन बड़ा स्लॉट होगा तो आपने मान लो 3 mm यह काट दिया, अब 3 mm इधर से भी काट दिया, तो यहाँ पर तो 0.1 मेटल बची गया ना, तो इस कंडीशन क्या करना है आपको, पहले इस टूल को उतारना, फिर वापस बाहर निकालना है, फिर इधर से चैम्पर लगाते हुए आना है, और फिर इसको नीचे उतार के फिर आपको इधर चला देना। ओके, ये ध्यान रखना। अब ये हमारा टूल उतर गया G01 G0 में, हम इसको ऊपर निकाल लेंगे, X52 ये बाहर निकल गया। अब हम क्या करेंगे, सेकेंड दूसरा वाला, तो दूसरा वाला के लिए क्या करेंगे, G0Z-। अब जेड माइनस कितना होगा, देखो 10 5 15 और 4 19, 19 तो यही है, 3 mm एक्स्ट्रा लेंगे तो 22। ठीक है, अब 22 है तो 22 ना करके हम क्या करेंगे, 0.5 का चैम्पर लगाना, तो 21.5 पे ले जाएंगे इसको, और इसको G01 में फिर उसके बाद 50 पे एग्जिट टच कराएंगे, फिर उसके बाद G03 क्लॉकवाइज रेडियस, एंटी क्लॉकवाइज रेडियस काट देंगे, 149 जेड माइनस के 22 एग्जैक्ट, और रेडियस हो गई हमारी 0.5 r। उसके बाद जी टूल हमारा है वो पूरा 40 तक उतर जाएगा, फिर टूल को हम ऊपर उठाएंगे X52.0 तक, उसके बाद फिर वापस G0 में नई पोजीशन देंगे, तो नई पोजीशन क्या होगी, जेड माइनस के देखो कितना हुआ, 10 5 15 4 19 और 4 24, तो 24 ना पहुंचा के 0.5 आगे ले लेंगे चैम्पर के लिए, तो 24.5 ये नई पोजीशन हो गई। ठीक है, और इसके बाद वापस टूल को हम डाउन कर देंगे, तो इसमें जो कोड क्या प्रोग्राम क्या डालेंगे हम, इसके बाद हम कहाँ तक पहुँच गए, G0Z- के 24.5 तक पहुँच गए हम। ठीक है, उसके बाद टूल को G01 में X50 पर टच कराएंगे, उसके बाद हम G02 में क्लॉकवाइज ऐसे रेडियस काट देंगे, तो G02 एक्स 0.5 की रेडियस है तो 49 पर आ जाएगा, और जेड माइनस के 24 आ जाएगा, और R आ जाएगा हमारा 0.5। ठीक है, उसके बाद G01 में एक्स 40 नीचे कर देंगे। ठीक है, तो फिनिशिंग हो गया, उसके बाद टूल को X52 पूरा बाहर निकाला, और यहीं से हम क्या कर देंगे, M09 से कूलेंट स्टॉप, और G28 U0.0 और W0.0 होम पोजीशन हो जाएगा, M05 से स्पिंडल स्टॉप कर देंगे, और M01 से ऑप्शनल स्टॉप, और M30 से प्रोग्राम रीसेट है रिवाइंड कर देंगे। तो इस तरह से हम रफिंग और एक फिनिशिंग का मैनुअल प्रोग्राम है ये ग्रूविंग के लिए, और वो भी सिर्फ और सिर्फ ओडी पे, ओडी ग्रूविंग टूल है। ठीक है, आगे नेक्स्ट वीडियो में आपको फेस ग्रूविंग टूल, ठीक है, वो समझाऊंगा, और फेस ग्रो टूल में भी कैसे रेडियस वाला,
ठीक है, स्क्वायर में तो कोई दिक्कत नहीं है, स्लॉट बनाना है बना देंगे, लेकिन रेडियस वाले में क्या होता है कि कई बार आपको रेडियस में कंपनसेशन से बनाना होता है, तो वो मैं कंपनसेशन के साथ भी सिखा दूंगा और विदाउट कंपनसेशन भी सिखाऊंगा। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।